नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई पुस्तक भक्तिकालीन काव्य के पहले पाठ चंदबरदाई, जिनकी रचना महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के, उन पदों का अध्ययन करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 समय हैं और उनमें से पद्मावती समय हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसके पदों की हम व्याख्या करेंगे। उन पदों की व्याख्या करने से पहले हम चंदबरदाई का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और पृथ्वीराज रासो की कथा का सार भी समझेंगे। चंदबरदाई वीरगाथा काल के आदिकाल के महाकवि माने जाते हैं और रामचंद्र शुक्ल जी ने तो यह स्वयं कहा है कि उनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो के, पृथ्वीराज चौहान के, माफ कीजिए, अभिन्न मित्र थे और उनके राजकवि भी थे। उनका पृथ्वीराज रासो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसकी रचना लगभग 2500 पृष्ठों में की गई थी और 69 अध्याय हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना डिंगल अर्थात राजस्थानी भाषा में हुई है। पिंगल का भी प्रयोग है जहाँ जहाँ। देखिए, डिंगल और पिंगल के संबंध में हम मोटी मोटी बात यह समझ लें कि जहाँ युद्ध का वर्णन, जोश उत्साह का वर्णन किया जाता है वहाँ डिंगल भाषा, और जहाँ श्रृंगार रस की अधिकता होती है वहाँ पिंगल भाषा का प्रयोग होता है। इसके अलावा इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, अरबी, फारसी सभी भाषाओं के शब्द मौजूद हैं। वीर और श्रृंगार दोनों रसों का सुंदर परिपाक हमें देखने को मिलता है। कवि ने इसमें बताया है कि देश समूह शिखर के राजा विजयपाल हैं और उनकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती और दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इनके प्रणय और विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। कथा का प्रारंभ समुद्र शिखर राजा और पद्मावती के सौंदर्य के वर्णन से होता है। विजयपाल की वीरता का इसके अंदर बताया गया है कि राजा बड़ा वीर है, पराक्रमी है और उसकी एक सुंदर रानी भी है, पद्मसेन कुंवर, और इसी रानी से उनको पद्मावती नाम की एक अद्वितीय सुंदर कन्या का जन्म होता है। एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ महल में खेल रही थी और उसी समय एक तोता आता है और वो पद्मावती के होठों को बिंबाफल समझकर उन पर झपट पड़ता है। पद्मावती भी तोते को देखकर बहुत खुश होती है और वह उसे पकड़ करके अपने महल में ले आती है और सोने के पिंजरे में बंद कर देती है। धीरे धीरे तोते के प्रति पद्मावती के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तोता भी जो था वो साधारण तोता नहीं था, बोलने वाला तोता था, बड़ा विद्वान और पंडित था। वह राजकुमारी पद्मावती को अनेक कहानियां, बातें सुनाया करता था। कुछ समय के बाद पद्मावती ने तोते से पूछा कि हे शुक, तू मुझे सच सच बता कि तू किस देश का है, तेरा राजा कौन है। और फिर उसने सारी बातें सच सच बता दी। कि हिंदुस्तान देश में दिल्लीगढ़ नामक स्थान है और वहाँ चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज चौहान राज्य करता है। उसकी आयु 16 वर्ष है और वो बहुत वीर और प्रतापी है और उसी के यहाँ मैं रहता हूँ। तोते के मुख से पृथ्वीराज की ऐसी रूप सौंदर्य और यशोगान सुनकर के राजकुमारी पद्मावती रोमांचित हो उठती है और वह मनी मन में उसे अपना पति बना लेती है और वो सोचती है अगर मेरी शादी होगी तो इसी से ही होगी।
उधर राजकुमारी के जो माता पिता हैं वो पंडित को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई आप हमारी पुत्री के लिए एक अच्छा सा कुलीन शीलवान और वीर साहसी वर ढूंढो। और कुमायूं नामक दुर्ग के अधिपति कुमुदमणि नामक राजा को वो पंडित ढूंढ लेते हैं और उनसे उनकी सगाई भी हो जाती है। फिर जब शादी की बात आती है तो राजकुमारी पद्मावती सम्राट पृथ्वीराज को एक पत्र लिखती है और उसके तोते के हाथ भिजवाती है और कहती है कि तुम शीघ्र ही चले आओ। पद्मावती का पत्र लेकर तोता दिल्ली पहुंचता है और राजा पूरी अपनी तैयारी करके और आ जाता है। जिस दिन समूह शिखर में कुमुदमणि की बारात आती है और शहाबुद्दीन गोरी को भी पता चलता है कि पृथ्वीराज वहां गया हुआ है तो वह दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। उधर दो दो बारातें समूह शिखर पर पहुंच जाती हैं तो बड़ी ही असमंजस की स्थिति हो जाती है। लेकिन पद्मावती जिसने 16 श्रृंगार किए हुए थे वह शिव मंदिर में जाती है और शिव पार्वती की पूजा करती है और वहाँ पर पहले से ही पृथ्वीराज चौहान उपस्थित होते हैं। वो मुस्कुरा देते हैं और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे अपनी घोड़े की पीठ पर बिठा लेता है और दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। सारे नगर में ये बात फैल जाती है कि पद्मावती को किसी राजा ने हरण कर लिया। जब वो उसका हरण करके लेके आते हैं तो पहले तो कुमुदमणि और विजयपाल की सेना से उनका भयंकर युद्ध होता है और युद्ध में विजय होकर पृथ्वीराज दिल्ली की ओर लौटता है तो शहाबुद्दीन गोरी से उसका भयंकर युद्ध होता है और शहाबुद्दीन गोरी को वो बुरी तरह से परास्त करता है और उसे कैद करके अपने साथ ले आता है और पद्मावती के साथ अष्टभुजा देवी के मंदिर में पहुंचता है और वहां पर वह उसे विवाह की पूरी रस्में निभाता है। इस प्रकार पद्मावती समय में महाकवि चंद्रदाई ने मुख्य रूप से पृथ्वीराज पद्मावती के विवाह और शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज की विजय इन्हीं का वर्णन किया गया है। ये तो था कहानी का हमारा सारांश। अब हम अपने पहले पद पर आते हैं। मनहु कला ससिभान कलह सो बनिए बाल बेश ससिता समीप अमृत रस पिनिए बिकसी कमल मृग भ्रमर बैन खंजन मृग लुट्टिय हीर कीर अरुबिंब मोती नश शिश अहि गुट्टिय छपति गयंद हरिहंस गति विह बनाय संचय सचिय पद्मनीय रूप पद्मावती है मनु काम कामिनी रचिय। प्रस्तुत जो पद्यांश है अवतरण है यह पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय से लिया गया है। राजा विजयपाल की बेटी पद्मावती जो बहुत अधिक सुंदर है रूप योगना है उसी के सौंदर्य का इसमें चित्रण किया गया है। मनहु कला ससिभान पद्मावती इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है मानो वह चंद्रमा की किरण हो या कला सोलह सो बनिए चंद्रमा की 16 कलाओं से उसको बनाया गया हो। वो चांदनी की सी चमक उसमें दिखाई देती है। बाल बेश ससिता समीप अमृत रस पिनिय और आगे कवि उसकी सुंदरता का बयान करता हुआ कहता है कि वो इतनी उसमें चमक है कांति है जैसे बाल बेश में होती है बाल्यावस्था में होती है और उसकी चमक कांति सरलता
बालपन को देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रमा ने ही उसी से अमृत रस का पान किया हो, इसलिए चंद्रमा भी इतना शीतल और कांति से युक्त है। विकसी कमल मृग भंवर बैन संजन मृग लुटी है। उसको देख कर के ही ऐसा लगता है जैसे कमल मृग भंवरे बैन खंजन मृग ये सब खिलते हैं और इनको उन्होंने लूट लिया हो, अर्थात उसका मुख बहुत ही सुंदर है। उसको देखकर कमल खिल जाता है, उसकी चाल को देखकर मृग और भंवरे भ्रमित हो जाते हैं, उसकी मिठास इतनी है कि जो कोयल है वो भी शर्मा जाती है, उसके नेत्र इतने सुंदर हैं कि खंजन पक्षी और मृग को भी वो लूट लेती है। हीर कीर अरुबिंब मोती नश शिश अहिघुट्टी, उसके नख से शुक तक की जो चमक है वो मोती के समान है, जिसको देख करके हीरा तोता और बिंबाफल भी मन महसूस कर रह जाते हैं, शर्मिंदा होकर रह जाते हैं, क्योंकि वो इनसे भी कहीं ज़्यादा चमक से युक्त है, कांति से युक्त है। छपति गयंद हरिहंस गति, उसकी सुंदर चाल को देख करके तो हाथी शेर और हंस भी छिप जाते हैं। बिहे बनाए संचय सचिए, ऐसा लगता है विधाता ने उसको किसी सांचे में ढाल करके बनाया हो। पद्मिनीय रूप पद्मावती है मनो काम कामी रचिए, कवि कहता है कि पद्मिनी का रूप तो, वो जो पद्मावती है उसका रूप तो पद्मिनी नारी के समान है, चार प्रकार की नारी जातियों में सर्वश्रेष्ठ पद्मिनी है, और ऐसा लगता है कि विधाता ने काम कामनी रची है, काम कामिनी अर्थात कामदेव की पत्नी रति की ही रचना इस धरती पर कर दी हो। कहने का तात्पर्य कि उसके शरीर बहुत ही गोर वर्ण है, उसकी चमक बहुत है, कांति है, वही यौनांगा है, मधुर है, और इतनी सारी विशेषताओं के कारण ही वह पद्मिनी रूप के समान है। अनुप्रास उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। पद्मावती का यह रूप किसी से तुलना कर ही नहीं सकते, इतनी अनिंद सुंदरी वो है। मनो कला ससिभान कलासो बनिए, बहुत सुंदर पंक्ति है यह पृथ्वीराज रासो की, बहुत सुंदर पंक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। देखिए इसमें जो शब्द है, जैसे जहां जहां भी छह षटकोण का उस छह को हमें ख पढ़ना होता है, अपभ्रंश में ख का क्षय हो जाता है, जैसे संजन तो उसे हम पढ़ेंगे खंजन, ठीक है। दूसरा लुट्टी है, अही घुट्टी है, पिन्नी है, बन्नी है, जो शब्द होते हैं ये अपभ्रंश भाषा की अपनी विशेषता है। इस प्रकार विद्यार्थियों आज हमने चंद्रदाई का परिचय प्राप्त करते हुए पद्मावती समय के पदों की व्याख्या की, जो पहला पद हमारे काव्य में कोर्स में पाठ्यक्रम में लगाया गया है यह कवित्त है। छंद कौन सा है इसमें? कवित्त छंद है, और इसका इस पूरे पृथ्वीराज रासों का सारांश हमने पढ़ा, जिससे कि आपको इसके पदों का अर्थ करने में कठिनाई महसूस नहीं हो, क्योंकि जिस भी अगर हम किसी पद की व्याख्या कर रहे हैं तो उसकी पहले हमें कथा मालूम होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब हम अपनी अगली कक्षा में पृथ्वीराज रासों के पद्मावती समय के
हमारे अगले पदों का अर्थ करेंगे।